अभी में जारी है एनकाउंटर का सिलसिला। फिर खड़े हुए एनकाउंटर पर सवाल, अब सुल्तानपुर एनकाउंटर पर शक की सुई। क्या जवाब देगी होगी सरकार? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद एनकाउंटर का जो सिलसिला शुरू हुआ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कई एनकाउंटर को फर्जी करार भी दिया जा चुका है। ऐसा ही एक मामला यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां एनकाउंटर में घायल 25,000 का इनामी अंबुज यादव एनकाउंटर को ही फर्जी बता रहा है, तो वही पुलिस महकमा भी वाहवाही लूट रही है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके उन्हें तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यूपी में जारी है एनकाउंटर का सिलसिला। फिर खड़े हुए एनकाउंटर पर सवाल, अब सुल्तानपुर एनकाउंटर पर शक की सुई। क्या जवाब देगी होगी सरकार? मामला सुल्तानपुर जिले के कोतवाली कादीपुर क्षेत्र के पाकड़पुर गांव का है, जहां 25,000 के इनामी बदमाश अंबुज यादव को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर पुलिस जहां अपनी इस सफलता पर पीठ थपथपाने में लगी है, तो वहीं एनकाउंटर में घायल इनामी बदमाश अंबुज यादव चीख चीख कर खुद इस पूरे एनकाउंटर को प्री प्लान बता रहा है। मेरे पिताजी मुंबई में सर नौकरी करते हैं डेयरी पर, मैं सर यूपी में 2 महीना पूर्व से राजस्थान के हरिश्चंदपुर गांव में मैं नौकरी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, जो कि वर्दी मेरे आज शरीर पर भी मौजूद है। मेरी इसमें जो मेरी ये क्या है, ये कोट है, मेरी कोट में जो मैं नौकरी करता था उसकी सीटी मेरे थैली में अभी भी मौजूद है, और मेरी वर्दी मेरे पैंट में मौजूद है। तो मुझे वहां से क्राइम ब्रांच की टीम ला करके सुल्तानपुर में रखी, जिस कारण बाद में कादीपुर कोतवाल के एबी सिंह मुझे ले जा करके मुठभेड़ में मार गिराए। फर्जी तरीके से ऐसा कुछ है नहीं सर, मुझे बोले मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम पैर रख दो, नहीं तो पैर रख करके 4-5 सिपाही 10 लोग वहां करके बैठ कर मारे सर, मारे 7-8 गोली, लेकिन लगी सर 1 गोली है बगल में, और बगल में मार रहे थे, बाद में अपनी गाड़ी में मारे हैं सर, अपनी गाड़ी में अपनी ही पिस्टल से सर 4-5 फायर अपनी गाड़ी में किए हैं जी सर। मेरी उचित मदद की जाए आपके ऊपर क्या केस है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में ही, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं है, और 3-4 मुकदमे हैं सर। क्या है मुकदमा? क्या मुकदमे में सर, एक मुझे पहली बार सर चोरी का मुकदमा लगा दिया गया था मोटरसाइकिल का, एक कादीपुर कोतवाली मेरा घर है वहीं से, एक सोनकर ने मुझे फर्जी भेजा था सर पहली बार, और दूसरी बार सर मुझे 302 में अज्ञात मुकदमे में डाल दिए थे ना, उस बार भी मैं पंजाब कमा रहा था। 2 मुकदमे हो गए सर, और ये मुकदमा और है, पिछली बार मुझे लूट लगा के भेज दिए थे, 3 मुकदमे सर यही। यही नहीं, जिले के कप्तान अमित वर्मा सुल्तानपुर पुलिस की कामयाबी बताते नहीं थक रहे हैं। इस एनकाउंटर का खुलासा करते हुए सुल्तानपुर के SP अमित वर्मा का कहना है कि हमारी पुलिस टीम को सूचना मिली कि 2 अपराधी लूट की योजना बना रहे हैं, और जब SO कादीपुर मौके पर पहुंचे तो उन दोनों लड़कों ने पुलिस के ऊपर भी फायर झोंक दिया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो अपराधी अंबुज यादव के पैर में गोली लगी, और इनका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये देखिए आज की घटना है, ये 2 अपराधियों के बारे में सूचना मिली कि मोटरसाइकिल से जो है वो कहीं लूट करने की योजना बना रहे हैं, तो हमारे SO कादीपुर को सूचना में जब मौके पर पहुंचे उन दोनों लड़कों ने जो है पुलिस के ऊपर ही फायर खोल दिया, जिसमें पुलिस का एक कर्मी लड़का जो हमारा कांस्टेबल है उसके भी वो भी घायल हो गया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करी तो उसमें जो एक लड़का अमृत यादव जो जिसकी टांग में गोली लगी उसके रूप में उसकी पहचान हुई, साथ में दूसरा जो उसका साथी था जो कल्लू पंडित है उसकी वो जो मौके का फायदा उठा के वो भाग गया। जब इनके बारे में जानकारी हुई तो पता ये चला कि ये 25,000 के इनामी भी हमारे जनपद से हैं। इन दोनों के ऊपर तमाम जो है हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं, 302 से 395 लूट, डकैती, हत्या, एक्सटॉर्शन, इन सभी तरह का इनके ऊपर अपराध है पुराने। इनके ऊपर हिस्ट्री शीट भी इनकी खुली हुई है हमारे जनपद से, माफिया गैंग भी पंजीकृत है इनके ऊपर। बाकी जब इसकी खोजबीन करवाई है तो इसमें एक चीज़ बड़ा 2.5 महीने पहले पता चला था कि ये अपराधी जो है अंबुज यादव ये कोर्ट में फर्जी बेल बॉन्ड बनवा के और फर्जी जमानतदार तैयार करवा के जेल से निकलने में सफल रहा था,
जिसके ऊपर जिसकी हमने तत्काल मजिस्ट्रेट को भी सूचना दी थी, वहां भी इसके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत करवाया था। तो बहुत शातिर अपराध है। साथ ही साथ इसने इंडस टावर जो मोबाइल टावर कंपनी है उसके ऊपर भी उनके कर्मियों के ऊपर एक्सटॉर्शन के लिए दो बार इसने गोली चला चुका है। दो बार पहले भी ये पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हो चुकी थी, पुलिस के ऊपर भी इसने फायर खोला था, लेकिन दो बार ही भागने में सफल रहा था। कुल मिला के इसके ऊपर 1500 से ज़्यादा मुकदमे हैं और हार्डकोर क्रिमिनल है, और इसकी गिरफ्तारी से निश्चित ही जो है क्षेत्र में, कादीपुर क्षेत्र में, पूरे जनपद में अपराध में कमी आएगी और पुलिस का मनोबल भी इसकी उससे जो गिरफ्तारी से बढ़ा। ग्रेटर नोएडा का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सुल्तानपुर के इस एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। इस एनकाउंटर से नाराज सैकड़ों लोगों ने तिकोनिया पार्क में प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। योगी सरकार आने के बाद पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अभी अंबुज यादव को 15 तारीख को राजस्थान से भारतीय सिक्योरिटी सर्विसेज में, जो कि सुपरवाइजर के पद पर जेडी इंडिया कंपनी में तैनात था, उसको वहां से पुलिस ने उठाया और 15 तारीख को उठाया और कल तक रखा जो है 21 तारीख को ले जाकर के पागलपुर के जंगल में, जो भ्रष्ट निरीक्षक है केपी सिंह ने गोली मारने का काम किया। उसने कहा लेट जाओ नहीं तुम्हारे सीने में गोली मारेंगे। उस समय कुछ पुलिस वालों का जमीर जिंदा था, उन्होंने विरोध किया कि इस तरीके का एनकाउंटर नहीं चलेगा, मामूली अपराधों में धाराओं में संलिप्त होने वाले व्यक्ति का इस तरीके से एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, जिसके कारण अंबुज की जान बची। इसी को लेकर के हम पूरे प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों को, फर्जी तरीके से मुठभेड़ कर करके दिखा करके एनकाउंटर करने का काम किया जा रहा है, इस पर ये सरकार लगाम लगाए नहीं तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जो सुल्तानपुर जिला में इतना सामंतवादी जिला, जो सवर्ण के नाम से पूरा प्रदेश जानता है कि यहाँ का आतंकवादी अपराधी कौन है, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। एकलौता बेटा अपने माँ बाप के और जाके राजस्थान में काम कर रहा, मजदूरी कर रहा था, उसे वहाँ से पकड़ के ला के 15 तारीख को और 21 तारीख को 6 बजे उसे जंगल में गोली मारा गया है, और उसके जान के खतरा होने के कारण कुछ सिपाही लोग वहाँ उनकी इंसानियत जागी और इसका विरोध किए थे, इस कारण से उसके पैर में गोली मारी। पुलिस जो है उसको कंपनी से उठाई तो लोग बताए कि आपके आदमी को पुलिस जो है उठा ले गई। सर मैं वहाँ गई, कंप्लेन की, 100 नंबर डायल किया और वहाँ पुलिस चौकी की है गई, लेकिन वहाँ मुझे डांट के लोग भगा दिए, मेरी कोई बात नहीं, सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान में हम लोग हरिश्चंदपुर में रहते थे। सवाल उठता है, अगर प्रदेश में माफिया गैंग को एनकाउंटर से सफाया करने की सोच है सरकार की, तो इस पर उठ रहे सवालों पर भी जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर लिस्ट लंबी हो तो यूपी पुलिस और सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ यूपी लाइव टीवी, क्योंकि हम दिखाते हैं हकीकत प्रदेश की।